हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, सही होंगे। और जो लोग प्री के पेपर के बाद निराश हो गए हैं कि हमारा तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, और तैयारी छोड़ करके बैठे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बेटा। क्योंकि अगर नहीं हुआ, चलो फिर तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पेपर क्लियर हो गया बाय चांस, और अगर आपने ये शुरू का एक हफ्ता खराब कर दिया इस चक्कर में कि मेरा तो पेपर नहीं क्लियर होगा ये सोच करके, सो अल्टीमेटली यू विल बी द बिगेस्ट लूजर। एंड आपने एक प्रीशियस एक वीक खो चुके होंगे, और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि तैयारी क्या कैसे करें। और अब तो ऑलमोस्ट 6 दिन आपके पेपर को हो चुके हैं, 1-2 दिन में रिजल्ट आपके पास आपका आ जाएगा। तो डू नॉट वेट फॉर रिजल्ट, प्रिपेयर करो। अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आया तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि कोई आपकी बराक ओबामा के साथ मीटिंग है। सो स्टार्टिंग विद दिस सेशन वी विल बी कंडक्टिंग सम आंसर राइटिंग सेशंस फॉर नबार्ड फेज 2। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सेशन की, मैं ये आपको बता देता हूँ। एक तो जिस बच्चे ने अभी तक जो मेरा स्ट्रैटेजी सेशन है कि आंसर राइटिंग के अंदर कैसे हमें बेटर परफॉर्म करना है, वो सेशन जरूर देख लो। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपको एक आउटलाइन देता है कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, ठीक है? तो वो एक आइडिया लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब सेशन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखो सेशन के अंदर क्या होगा। जैसे आज का सेशन है, विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद अ क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन पिछले साल के नबार्ड ग्रेड ए के फेज 2 के अंदर पूछा गया था सब्जेक्टिव में। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? और उस क्वेश्चन का फिर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स भी दे दूंगा, पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड अल्टीमेटली उसके बाद आपके ऊपर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक है, तो ये जब आंसर डिस्कस हो जाएगा उसके बाद आप मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिख करके भेज दो टेलीग्राम के ऊपर, और मैं आपका वो आंसर एक अच्छे से चेक करके वर्ड फाइल के अंदर, आप मुझे अपना आंसर लिख करके भेजेंगे वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है? आप मुझे अपना आंसर लिख करके भेजेंगे, और फिर उस जिसका भी आंसर होगा उसको चेक करके उसका डिटेल्ड रिस्पांस जो है मैं शेयर कर दूंगा। जो भी उसमें गलतियां होंगी, जो भी उसके अंदर अच्छे पॉइंट होंगे, वो सब उसके अंदर हाईलाइट कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दोगे जो आंसर मैं डिस्कस करूंगा। एक तो हो गया क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद लेक्चर के एंड में मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि ये पहला सेशन है, ठीक है? दूसरे सेशन के अंदर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको इसी सेशन में बता दूंगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वो आंसर लिख करके मुझे भेजो। जैसे ये लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा बाय 7 PM, ठीक है? 7 या 8 PM तक वो मैक्सिमम अपलोड हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो हैं या नहीं, और आप आंसर लिख करके मुझे भी टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हो। अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको उसका डिटेल्ड रिस्पांस आफ्टर द सेशन डिस्कस कर लूंगा। जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको सेशन के एंड में दूंगा, उसका आंसर आप मेरे को भेज देना, और उसको चेक करके मैं आपको भेजूंगा सेशन के बाद, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको रेफर किसको करना है, ठीक है? चलिए, एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए तो हमारा 2000+ नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है, 50% ऑफ भी चल रहा है अभी, हैप्पी 50 कोड यूज अगर आप करेंगे। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। नबार्ड के 2021 वाले मेंस के अंदर ये पूछा था फेज 2 में। तो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रिप इरीगेशन, हाउ कैन इट चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड डिस्कस एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ड्रिप इरीगेशन। देखो, अब अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, मैं यही होप करके चल रहा हूँ कि जो ये सेशन देख रहा है उसने वो स्ट्रैटेजी सेशन देखा है जो हमने डाला था फॉर आंसर राइटिंग। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि क्वेश्चन की डिमांड समझना बहुत जरूरी है। क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि छक्का किस बाउंड्री से बाहर जाएगा, तो छक्का होगा, चौका होगा, ठीक है? आप ये पता होना चाहिए कि बैटिंग पिच कौन सी है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग पिच तो ये है, आप यहाँ पर खड़े हो गए बल्ला लेकर के और फिर आउट हो जाओगे, वो तो फिर होना ही होना है। तो बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन को समझ के ही क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को भी सेट करोगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसके पार्ट्स को ब्रेक करूं तो ये इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि ड्रिप इरीगेशन क्या है, ये मेरा पहला पार्ट है। मेरा पहला पार्ट, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रो,
एक होती है फिर आपकी बॉडी जिसमें आप लिखते हो, और फिर अल्टीमेटली आप कंक्लूजन लिखते हो। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, किसी भी आंसर का ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके अंदर देखो, जो ये पहला पार्ट है ना, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, ये एक तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, आपके क्वेश्चन का पार्ट ही आपका इंट्रोडक्शन बन गया। जनरली हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशन वगैरह ही लिखते हैं, तो आपसे डेफिनेशन उसने यहाँ पर पूछी हुई है, तो यही आपका इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर और कोई फालतू की बातें नहीं करने बैठ जाओगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन फालतू की बातें भी ये देख करके करनी है कि वर्ड लिमिट कितनी है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखोगे तो 400 से ज्यादा वर्ड आपके बन जाएंगे, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, तो व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा फालतू की चीजें घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एक कंट्री है, मेजर पॉपुलेशन ये है, ठीक है, हमारे यहाँ पर इरिगेशन इतना डेवलप्ड है, ये वो सब फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। बैंग ऑन पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आप चलोगे कि व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे ये फेस ऑफ एग्रीकल्चर को चेंज कर सकता है। इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट इसके अंदर आप आ जाओगे पैरा के अंदर, वो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी जो मेन बॉडी है उसमें एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ड्रिप इरिगेशन आ जाएंगे, एंड फाइनली कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है अपने आंसर को। अब देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जिसमें आपने व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन लिखना है, तो ड्रिप इरिगेशन की सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन। अगर इसके अंदर एक आधा फैक्ट घुसा दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि लड़का पढ़ करके आया। जैसे मैंने यहाँ पर एक फैक्ट घुसा दिया कि ये इसराइल के अंदर डेवलप हुआ था, और इसको डेवलप किया था बाय अ पर्सन कॉल्ड सिमका ब्लास, जो एक वाटर इंजीनियर था, और 1959 के अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, बड़े बेसिक से पॉइंट मैंने फैक्ट घुसा दिए। देखो जितना आप फैक्ट को डालोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेसरी है, अगर याद है तो डालो। देखो ये दो चीजें होती हैं फैक्ट से रिलेटेड, एक मैं आपको क्लियरली बात बता दूं, फैक्ट से रिलेटेड दो बातें हमेशा याद रखना, फैक्ट या तो बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि सही फैक्ट क्या है तो उससे बेटर है कि डालो ही मत, इनकरेक्ट फैक्ट से बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फैक्ट अगर सही पता है तो ही डालना, नहीं तो नहीं डालना। ओके, अब ये मैंने पॉइंट वाइज दिया, लेकिन आपको पॉइंट वाइज नहीं देना। ड्रिप इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन, ड्रॉप इरिगेशन, सिप इरिगेशन भी कहते हैं, और इसके अंदर वाटर और फर्टिलाइजर जो है वो डायरेक्टली रूट जोन के अंदर प्लेस हम करते हैं। एंड इसको अचीव कैसे किया जाता है, बाय स्पेशली डिजाइंड एमिटर्स एंड ड्रिपर्स, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ये। तो इसको एज इट इज आपको याद कर लेना ड्रिप इरिगेशन की, अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेते हो तो बहुत इजीली आपको पेपर के अंदर फिर ज्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे कि ज्यादा सोचने में लगे हो कि क्या है क्या नहीं है। बेसिक बेसिक डेफिनेशंस तो देखो याद होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशंस में जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई ड्रिप इरिगेशन एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है, एग्रोनॉमी क्या होता है ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, एग्रीकल्चर क्या होता है बेसिक डेफिनेशन हो गई, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेसिक डेफिनेशन हो गई, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बेसिक डेफिनेशन हो गई, फॉरेस्ट्री क्या होता है बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो पहला पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन का हो गया। इसके बाद अच्छा, जैसे मैं ना आंसर्स चेक कर रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, जो बच्चे जो ऑनलाइन मेरे को आंसर भेजे बच्चों ने, उसके अंदर मैंने एक चीज क्या नोटिस की, मैं आपको अभी यहां पर बता देता हूं। जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल, ये आपका इंट्रोडक्शन है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका बॉडी स्टार्ट कर रहे हो। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे इंट्रो लिखा, ठीक है, इंट्रो के इमीजिएटली बाद बॉडी टाइप करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इंट्रो लिखने के बाद आप बीच में, जैसे यहां पर एक स्पेस छोड़ा हुआ ना, एक एक लाइन एंटर करके, एक लाइन एंटर बीच में स्पेस छोड़े, ठीक है, एक बीच में स्पेस छोड़े, बहुत ज्यादा भी नहीं, जैसे यहां पर तो मैंने डबल एंटर किया हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ना, लेकिन आपने एक सिंगल स्पेस, एक सिंगल लाइन खाली बीच के अंदर छोड़नी है, उससे आपके वर्ड लिमिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर वो प्रेजेंटेबल लगता है आंसर। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही उसको हॉचपॉच कर दोगे तो वो बड़ा अजीब सा लगता है और वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो ये प्रेजेंटेशन के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि कैसे ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर का फेस चेंज कर रहा है। तो बेसिकली आप इसके अंदर देख सकते हो कि कैसे ये एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के अंदर हेल्प कर रहा है। मेन पॉइंट्स तो हमने एडवांटेजेस में लिखने ही है, यहां पर सारी एडवांटेजेस घुसाने मत बैठ जाना, यहां पर वो सिर्फ आपसे तीन या चार लाइनों में जानना चाहता है कि एग्रीकल्चर को कैसे ये चेंज कर देगा, एग्रीकल्चर को कैसे चेंज कर देगा, यील्ड इंक्रीज कर देगा,
वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव कर देगा, क्योंकि वाटर एक स्केयर्स रिसोर्स है, तो वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर चेंज हो जाएगा। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो जो अभी यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है, वाटर बॉडीज के पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलती है, सॉइल के डिटीरियोरेशन की जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है वो खत्म हो जाएगी। सेलिनाइजेशन का जो इशू है क्योंकि हम एक्सेसिव वाटर यूज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉइल को प्रिजर्व करेगा अल्टीमेटली। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर जो है उसको ये और ज्यादा सस्टेनेबल बना देगा। हाउ ड्रिप इरिगेशन कैन मेक, तो तीन या चार लाइनों के अंदर आपने इसको खत्म कर देना है, ठीक है। कनेक्ट बनाते हुए चलना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान में रखना है, कनेक्ट बनाते हुए चलना है। कनेक्ट कैसे बनेगा? अब जैसे यहां पर आपका ये इंट्रोडक्शन का पॉइंट फॉर एग्जांपल खत्म होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा फिर कई बच्चे क्या करते हैं सीधा ऐसे लिखने लग देते हैं दैट एग्रीकल्चर विल ऑल्सो चेंज दैट ड्रिप इरिगेशन विल चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सलीके से जैसे आप किताब पढ़ते हो। ओके, जैसे अब यहां पर पॉइंट खत्म हुआ, ड्रिप इरिगेशन Due to its very nature can change the face of agriculture by making it more sustainable in following ways. ठीक है, इस तरीके से जब आप लिखोगे तो एक कनेक्ट बनेगा। हमेशा जब मैंने आपको कहा कि आंसर राइटिंग जब आपने करनी है तो आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके बीच में एक कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टिंग डॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जम्मू है फिर एकदम से आप कश्मीर पहुंच जाओ, एकदम से कन्याकुमारी पहुंच जाओ, ठीक है। अब जैसे चेंजिंग द फेस लिख दिया, उसके बाद कैसे कनेक्ट क्रिएट करोगे? अब अगला पार्ट था कि एडवांटेजेस, फर्दर देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस। ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको ये कनेक्ट बता रहा हूं, ये कनेक्ट आपको खुद क्रिएट करने हैं, ठीक है। मेनी अदर एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन लाइक, फिर आप शुरू कर दोगे एक एक करके एडवांटेज लिखना। अब यहां पर मैंने आपको काफी सारे एडवांटेजेस दिए हैं, लेकिन आप अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है एडवांटेजेस लिखोगे। और यहां पर मैंने एडवांटेजेस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगेन, कितनी डिटेल लिखनी है वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी वर्ड लिमिट कितनी है। ये सेम क्वेश्चन मैं 600 की वर्ड लिमिट में भी पूछ सकता हूं, तो मेरे पास ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। उस सेंस में मैंने इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑफर की है। सबसे पहले वाटर पेनिट्रेशन को इंप्रूव करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट स्लो रेट्स टू लिमिटेड एरिया, एक तो पानी बहुत स्लो रेट के ऊपर जाता है ड्रिप इरिगेशन के अंदर, और दूसरी बात एक लिमिटेड एरिया में डायरेक्टली आप रूट जोन में जा रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वाटर की पेनिट्रेशन है ना सॉइल के अंदर वो अच्छी हो जाती है, वो इंप्रूव हो जाती है और पानी का लॉस नहीं होता। दूसरा, जो सॉल्ट का इफेक्ट है वो रिड्यूस कर देता है। अब कहीं पर अगर वाटर सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी के अंदर ही नमक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन को यूज कर रहे हो तो आप फिर उसमें सॉल्टी वाटर को भी यूज कर सकते हो। सॉल्टी वाटर को क्यों यूज कर सकते हो? देखो, जो नॉर्मल इरिगेशन होता है उसमें तो क्या होता है, आप एक दिन पानी छोड़ दोगे खेत के अंदर एंड अल्टीमेटली वो पानी आप उसमें रहेगा धीरे धीरे, दैट विल टेक इट्स प्लेस, है ना। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, ड्रिप इरिगेशन में रेगुलरली पानी सप्लाई होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल इरिगेशन में 1000 लीटर पानी लग रहा है तो ड्रिप इरिगेशन में सिर्फ 100 लीटर पानी लगेगा। नॉर्मल इरिगेशन में आप एक दिन पानी दे पाओगे तो ड्रिप इरिगेशन में आप 10 दिन पानी दे पाओगे, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा। तो अल्टीमेटली क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पानी जो है वो चलता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा उसके अंदर एंड अल्टीमेटली सॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लीच अवे हो जाएगा। तो ये भी एक इसका फायदा होता है। वाटर सेविंग तो है ही है, ठीक है, वाटर सेविंग तो है ही है, अराउंड 70% वाटर सेविंग करता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आप रूट्स में सप्लाई कर रहे हो तो इवेपोरेशन लॉसेज नहीं है। क्रॉप का रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने शो किया है कि क्रॉप्स के अंदर हाई यील्ड अपने को देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। लेबर भी सेव होती है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, आपका पूरे का पूरा एक सेटअप क्रिएट होगा, परमानेंट और सेमी परमानेंट टाइप सेटअप क्रिएट होता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको खेत में लेबर जो है उसको प्रॉपर इरिगेशन करने जाना है पानी, नहीं, वो पाइप्स लगी हुई है फील्ड के अंदर एंड ऑटोमेटिकली उन पाइप्स के थ्रू पानी जो है वो सप्लाई होता रहेगा, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है फार्मर के लिए।
उसके बाद फर्टिलाइजर का भी ऑप्टिमम यूज होता है, इसके अंदर फर्टिगेशन का प्रोसेस आ जाता है। फर्टिगेशन के प्रोसेस में क्या होती है कि आप इरिगेशन वाटर के थ्रू ही आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हो, तो जहां से आपका वाटर जा रहा है ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम में, वहीं से आप फर्टिलाइजर ऐड कर दोगे। और क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर आपके पास पानी का पूरा कंट्रोल है, पानी के फ्लो का कंट्रोल है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फर्टिलाइजर के फ्लो का कंट्रोल भी आ गया, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी डायरेक्टली रूट जोन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा, तो फर्टिलाइजर का यूज कम हो जाएगा। और क्योंकि पानी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है लीचिंग की, वो भी यहां पर नहीं होगी जो नॉर्मल इरिगेशन के अंदर होती है। उसके बाद वीड ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली पानी कहां सप्लाई कर रहे हैं, रूट जोन के अंदर, तो जो सरफेस सॉइल है वो बहुत कम गीला होगा, ठीक है, उसकी वेटनेस काफी कम होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इरिगेशन, एंड क्योंकि वहां पर वेटनेस कम होगी तो वहां पर वीड ग्रोथ के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैव आल्सो शोन कि क्रॉप्स जैसे टोमेटोज हैं, ग्रेप्स हैं, शुगर बीट हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी जो है क्रॉप ने वो भी जल्दी अटेन की है इफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज यूज्ड। सॉइल क्रस्टिंग की प्रॉब्लम कम होती है। सॉइल क्रस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जो है हार्ड सर्फेस क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, देखो आपने एक दिन पानी डाला, उसके बाद आपने 10 दिन पानी नहीं डाला, उसमें क्या होता है मिट्टी सूख गई और हार्ड सर्फेस क्रस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी डेली जा रहा है, क्योंकि काफी स्लो रेट पे जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के अंदर ज्यादा रहेगा, एंड अल्टीमेटली आपके ये हार्ड सर्फेस क्रस्ट जो है वो फॉर्म नहीं होंगे। रूट पेनिट्रेशन भी इंप्रूव होगा, ठीक है, जहां पर जिन सॉइल्स के अंदर रूट पेनिट्रेशन काफी कम होती है या इम्पॉसिबल होती है क्योंकि वाटर कंटेंट काफी लो है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन अगेन इस रूट पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा बिकॉज ऑफ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको फील्ड लेवल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली रूट जोन में सप्लाई कर रहा है। नॉर्मली तो अगर आपका फील्ड लेवल नहीं है तो जहां पर स्लोप है वहां से पानी बह करके नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और वहां पर इकट्ठा हो जाएगा नॉर्मल इरिगेशन में। लेकिन यहां पर ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि यहां पर तो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं और सीधा उन्होंने रूट में पानी डिपॉजिट करना है। ओके, उसके अलावा जो फॉलिएज है वो भी ड्राई रहता है, और क्योंकि फॉलिएज ड्राई रहता है तो डिजीज का खतरा भी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, वेटनेस की वजह से, क्योंकि काफी सारे डिजीजेस जो है वो होते हैं, तो ये हमारी एडवांटेजेस होगी। उसके बाद हमसे लिमिटेशन भी पूछी थी, तो फटाफट से डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे। एक तो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें आप फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हो, केमिकल भी यूज कर रहे हो, सॉल्ट भी होता है पानी के अंदर थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा, जहां पर आपका डिस्चार्ज होता है ना, छोटे छोटे होल्स ही तो होते हैं पाइप के अंदर जहां से आपका पानी अल्टीमेटली डिस्चार्ज होता है सॉइल में, तो वो क्लॉग हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन क्लॉगिंग को उसको ठीक करने के लिए उसमें खर्चा काफी ज्यादा होता है, और अगर आपकी क्रॉप ग्रो कर गया तो आप इजिली उन पाइप्स को रिमूव भी नहीं कर सकते। उसके बाद सैलिनिटी, अभी मैंने आपको कहा था कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा है और आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, रेगुलरली सफाई नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक रिवर्स प्रेशर ग्रेडियंट भी सॉइल के अंदर क्रिएट हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली जो सॉइल है वो सारे का सारा आपकी रूट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद जी ड्राई सॉइल डस्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मैकेनिकल ऑपरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल एक पूरे का पूरा गांव है, उसमें पूरे के पूरे गांव में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम चल रहा है, तो ड्रिप इरिगेशन है तो डेफिनेटली डायरेक्टली आप सॉइल के अंदर रूट्स के पास पानी सप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी सूखी हुई है, ठीक है, ऊपर की मिट्टी के ऊपर आप रेगुलरली पानी नहीं सप्लाई कर रहे हो, तो जब आप वहां पर ट्रैक्टर वगैरह चलाओगे ना, तो वो काफी सॉइल जो है वो काफी लूज हो जाएगा और वो काफी इजिली ब्रेक हो जाएगा, जिससे डस्ट प्रॉब्लम या सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है विंडी पीरियड के समय में, जब हवाएं काफी तेज चल रही हो। स्किल की रिक्वायरमेंट इसके अंदर चाहिए, ये इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम है जहां पर फार्मर्स इतने काफी ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है, इसका डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये काफी ज्यादा इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इनिशियली हाई होती है, एंड इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लैंड साइजेस हैं वो काफी स्मॉल हैं, और इतने स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड साइजेस के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल नहीं बैठता, तो ये भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमारे आंसर के सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। हमने इंट्रो में ड्रिप इरिगेशन क्या है उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने बॉडी के अंदर ये लिख दिया कि कैसे ये एग्रीकल्चर का फेस चेंज करेगा, फिर हमने ये भी लिख दिया कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, हमारे सारे पार्ट खत्म हो गए। अब हमारा एक लास्ट पार्ट है जो है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन किसी भी आंसर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आप उस आंसर का कंक्लूजन नहीं लिख रहे तब तक आपका आंसर अधूरा है, ठीक है, तब तक आपको पूरे नंबर उसके अंदर नहीं मिलने वाले, चाहे आपने जितना मर्जी आंसर अच्छा लिखा हो। तो कंक्लूजन आप किस तरीके से कर सकते हो, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कंक्लूजन मैं कैसे करूंगा अपने आंसर का, ड्रिप इरिगेशन
हैज द पोटेंशियल टू बिकम द गेम चेंजर इन द फ्यूचर एग्रीकल्चर, ये मैंने क्वेश्चन में से ही चुरा लिया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को एज इट इज मत कॉपी पेस्ट करो, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे एक आइडिया लेकर के पैराफ्रेजिंग करके आप लाइन चेंज करके लिख दो कंक्लूजन में, स्पेशली ड्रिप इरिगेशन हैज द पोटेंशियल टू बिकम गेम चेंजर इन फ्यूचर एग्रीकल्चर, कंट्रीज लाइक इंडिया विच आर इन अर्जेंट नीड टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम एट द सेम टाइम, कि हमें एक ही टाइम पर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी बनाना है, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करनी है और फार्मर की इनकम भी बढ़ानी है। तो ऐसे में ड्रिप इरिगेशन जैसे जो सिस्टम्स हैं इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हो जाती है। और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, द गवर्नमेंट नीड्स टू मैनेज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल अमंग द फार्मर्स इन इंडिया। तो ये मेरा कंक्लूजन हो गया। और ये मेरे को कितने वर्ड्स में करना है, 400 वर्ड्स के अंदर करना है 10 मार्क्स के लिए। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? अगर आप एक स्ट्रक्चर को पकड़ के चलोगे ना, एक आइडिया आपके दिमाग के अंदर होगा, एक आपको ये प्लान आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे को आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर को लिंक करना आपको आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे स्कोर। लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिव के अंदर आप स्कोर नहीं कर सकते, मैं कहता हूं बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इसीलिए वो स्ट्रेटेजी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट होता है ना, या अगर आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हो कि सर ये पॉइंट भी तो लिख सकते थे, वो आप कंक्लूजन वो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मेरे को बता दो कि सर ये भी तो हम कर सकते थे, ये भी तो डाल सकते थे। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अब एक बार खुद से लिख करके मेरे को भेजो टेलीग्राम पे, मैं आपको डिटेल चेक करके ये दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो भी आप मुझे लिख करके भेज देना। जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अगेन 10 नंबर का, 400 वर्ड के अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और यहां पर मैं आज अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली स्लाइड लगाना भूल गया हूं, तो ऐसे ही बता देता हूं आपको कि आप टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ वहां पर मिल जाता है, उसके अलावा आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 के ऊपर, YouTube पर कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन sikshit@gmail.com। और जो MCQ कोर्स है उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिस्काउंट चल रहा है, हैप्पी 50 कोड यूज कर लोगे अगर, ऑलराइट। चलिए, एंड एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सेशन को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, उससे क्या होता है कंटेंट को लेकर के आने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति जो है वो इंप्रूव हो जाती है। चलिए, सो सी यू, टेक केयर एंड बाय।